वैसे तो मुझे प्यास लग रही है पानी देख करके, मुझे पीने वाला पानी तो पता नहीं कुछ मिलेगा कुछ नहीं, प्यास लग रही है बहुत, जो भी गर्मी गर्मी की लग रही है। और तो भैया आ गए हम लोग कोटा बाग में, और आज की पूरी ड्राइव किया रुचि ने, साथ में बबली दी आई हुई थी, और हम लोग इनको घुमाते हुए ले आए हैं यहाँ पे कोटा बाग के जंगल में। और अब हम लोग जा रहे हैं नहाने को, अभी हम लोग नाले में नहाएंगे। और देखो आपने एक आज बबली ने तिरछी टोकर के टोपी भी लगाई है, एक तिरछी टोपी, ये देखो गाना भी आ रहा है तिरछी टोपी वाले। और दास ब्रदर्स भी घूम रहे हैं हमारे संग, नीरज। ये है कोटा बाग का नाथू नगर गांव, और हमारे संग एक लड़ाकू विमान भी है, लड़ाकू विमान। और एक है खली टाइप है कोई, खटीमा से आई हुई है, उठा के पटक देते हैं सबको ये लोग, किसी का भी। ये लोग कितनी मस्त मस्त लोकेशन है यहाँ पे, क्या मस्त पानी आ रहा है, इस पानी हम लोग नहाएंगे। गाइस अभी हम लोग आपको दिखाएंगे हल्द्वानी से विलुप्त तो हो चुके हल्दू के पेड़, जो यहाँ पे अभी एज इट इज बचे हुए हैं हल्दू के पेड़, वो हम आपको दिखाएंगे। और बेरी के पेड़ भी काफी हैं, करोदे के पेड़ हैं यहाँ पे काफी, और कुछ कुछ। हाँ 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 कर लेंगे फोटोज। ये देखिए मेरे पीछे हल्दू का पेड़ और ये सब हल्दू के पेड़ दिख रहे हैं हमारे पीछे, पूरा अच्छे अच्छे पेड़ आ रहे हैं। और बबली जी को भी कुछ दिख गया है, बेल पत्र का पेड़, हल्दू का पेड़ है ये, जिससे नाम हल्दू, हाँ ये भी हल्दू का हुआ, वो भी हल्दू है, ये सब यहाँ पे हल्दू का जंगल दिख रहा है आपको, देखो सब ये। हाँ ये बहुत ही बड़े बड़े होते थे, यहाँ पे कालू सिद्ध मंदिर है, वहाँ पे बहुत तगड़ा हल्दू का पेड़ था पहले। हाँ ये हल्दू के पेड़ हैं, बचे हुए बस यहीं पे ही हैं, इनका औषधि गुण तो मुझे नहीं पता। साथ में करोदे हैं और कुछ बेलपत्र के पेड़ हैं। करोदे? हाँ करोदे कैसे होते हैं? करोदे छोटे छोटे अचार नहीं बनता इनका, अभी फूल आ रहा है इसमें, इतने छोटे छोटे से खट्टे पिट्टे टाइप के दाने नहीं होते हैं। हाँ तो अभी मौसम बड़ा सही है, बारिश नहीं आई हुई है। और गाइस देखिए रास्ता पूरा दमदार बन चुका है यार, तो भीमताल तुम्हारा रास्ता बन नहीं पाया, यहाँ बन गया है बस। एक बार भीमताल काम स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर यहाँ करना है, फिर तो पैसे ही पैसे हैं, बस काम स्टार्ट हो जाए एक बार एक जगह का हमारा, बड़ा मस्त रास्ता बन गया है। और आपको बता देता हूँ, कभी हम वहाँ के होटल में जाएंगे एक दिन, वहाँ रह लेंगे, कभी हम यहाँ को आएंगे तो यहाँ रह लेंगे, यहाँ भी रह लेंगे। और अभी लामा चौड़ के हाईवे में भी है एक, और एक मेरे घर के पुराने घर में बनी जाएगा। और ये रोड चले गए सीधे सामने, जो एरिया दिख रही है आपको मेरे, उसमें ये है कोटा बाग का डिग्री कॉलेज, तो ये सड़क वहाँ पे के लिए जा रही है अभी, सेंसर नहीं है। जिस एरिया में हम चल रहे हैं ये नैनीताल में पड़ता है विधानसभा, और हमारा जो प्लॉट है वो पड़ती है कालाडूंगी विधानसभा में। ये देखो, हाँ ये देखो दीदी बेल, ये भी बेल का पेड़ है, देखो टूट गया सूख गया। हाँ ये करोदा, ये तो गाय का है, वो गाय पूरी घूम रही है। ये करोदे का पेड़, हाँ तो गाइस आ गए हम लोग अपनी लोकेशन पर, देखिए क्या मस्त है। और वो टॉप पे सड़क है वहाँ पे टॉप पे को, और नहीं नहीं मोरी ऐसा नहीं रहता। और ये हमारी जमीन है, यहाँ तक का बन गया है सड़क, इधर तक का की निपटा दी है सड़क पूरी। ये देखो हमारा प्लॉट है पूरा, ये जो दिख रहा है पूरा प्लॉट हमारा है, और नीचे टमाटर भी लगे हुए हैं। अभी हम इसमें मोर के पंख ढूंढेंगे, और कुछ बच्चे लोग आ रहे हैं स्कूल से पढ़ के, वहाँ से वो लोग अभी इसी पुल से आएंगे, और बबली जी लोग उनसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे। आशा ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि रुचि और बबली दीदी उसको, इन दोनों बच्चों को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, और अपना चैनल सब्सक्राइब करवा के ही रहेंगे। तो देखना ये है कि ये लोग करवा पाते हैं अपना चैनल सब्सक्राइब या नहीं करवा पाते हैं। तो बने रहिए व्लॉग में, हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। यस।
तो भैया हाँ हाँ पढ़ाकू बच्चे हैं वो लोग गाँव के अच्छे तबीले होते हैं। बबली उत्तराखंडी और रुचि चेल्सी ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब कर देना आप लोग। हाँ। हमारा यही वाला प्लॉट है, हम आपको जब हमारा रिसोर्ट बन जाएगा तो हम आपको फ्री में खाना खिलाएंगे। हाँ। बबली दीदी वो आपकी फैन है, आपकी सब्सक्राइबर है पहले से ही। काजल काजल भैया क्या मस्त लोकेशन है हमारी, और इन लोगों की बन रही है रील, और पानी की आवाज सुन सकते हैं आप लोग, बहुत मस्त। देखिए आप यहाँ पे कितना तेज पानी का बहाव है, ये बारिश के कारण यहाँ पानी पानी है। और दीपक और नीरज जो यहाँ कैसे कर रहे हैं फुल एंजॉय, और हम लोग भी गए थे आगे को पानी पीने के लिए, फिर यहाँ कोई भैया लोग खड़े थे, वो भैया लोग बोल रहे हैं ज्यादा आगे को मत जाओ, यहाँ पे बाघ आने का भी खतरा है। तो दीपक को देखो कैसे पानी में डूब कर दिया है भैया, और नीरज को भी बहुत ही मजे आ गए हैं, ये बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं। पानी तो ठीक ठाक ही आ रहा है, ठंडा पानी। बबली दीदी को समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, अब लगी है वीडियो बनाने में। और दूसरा ये भैया लोग कहते हैं बहुत आगे को मत जाना, सुनसानी हुई है, बाघ आ जाता है इधर, गाय भैंस तो घूम ही रहे हैं ये इधर, अब बाघ भी ना आ जाए कहीं। तो ये इनको आ गए हैं बहुत ही ज्यादा मजे, ये लोग कर रहे हैं खूब एंजॉय पानी में। ये देखो ये नीरज ने कैसा कूदा कूद मचा रखी है, जल्दी जल्दी कर लो फिर। तो हमारा लड़ाकू विमान चल चुका है घर की तरफ को, घर जाने की जल्दी है अब हमें, क्योंकि दीदी लोग की 3 बजे की अच्छा फ्लाइट तो नहीं है अभी फिलहाल, यहाँ से दिल्ली जाएंगे फिर दिल्ली से फ्लाइट है। और रुचि दत्ता जोशी जी हैं जो अभी बहुत एकाग्र होकर गाड़ी चला रही हैं, कॉन्सनट्रेट पूरा सड़क पर है, बगैर सब बातें इन्होंने अपने दिमाग से निकाल रखी हैं। और ये तो बवाली दीदी ने आते ही बवाल करवा रखे हैं, और ये नीरज पंडित, नीरज जोशी, नीरज पंडित है ये। अबे स्पीड में देखो तुम भयंकर, ये तो हैवी ड्राइवर निकली भैया, देख रहे हो तुम 80 की स्पीड में चल रही है हमारी गाड़ी बिकट, और हम लोग जा रहे हैं घर को। तो फिर हम लोग कर देंगे इस ब्लॉग को, कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि बबली दी की टोपी जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए ब्लॉग ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा अगर दिखा दिया हाँ तो लोग पता चल रहा है, सब मेरे व्यूअर्स बढ़ने लग गए, मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा मेरे व्यूअर, 50-60 जो लोग देख रहे हैं वही लोग देखें, बस इतना ही अच्छा है मेरे लिए। ज़्यादा की भीड़ भाड़ पसंद नहीं है मुझे, फिर सब लोग कहेंगे दीपक भाई आ गए, दीपक भाई आ गए, फिर क्या पता।
पता मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, सब लोग मेरे संग वीडियो ही बनाने में लगे हुए हैं। और हाँ, उन्हें दीपक भाई प्लीज सेल्फी देना, जैसा आप भी कह रहे हैं मैं भी आपकी वीडियो देखता हूँ। तो फिर क्या हो पाएगा ऐसा, कहीं मेरे ऊपर सौरभ जोशी की तरह तू पड़ेगा तो हमको भी सब्सक्राइब कर लेंगे जो तेरे को देख रहे होंगे। क्या पता सौरभ जोशी की तरह हम पे भी घमंड आ जाए, तो इसलिए चाहिए ही नहीं हमें ज्यादातर। तो मैं सोच रहा हूँ बस हमारे इतने ही सब्सक्राइबर अच्छे और इतने ही व्यूअर्स भी अच्छे हैं, तो मैं वीडियो एंड कर लेता हूँ इस चक्कर में। और अभी थोड़ा ये देखो, व्यूअर्स के चक्कर में ये देखो तुम, रानी लक्ष्मीबाई की जय, रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। अबे देखो तुम गाड़ी में बिल्कुल लड़कियों को छेड़े ना, बैड मैनर्स, गाड़ी चलाते समय भारत में ऐसा काम होता नहीं है, वो भी उत्तराखंड। और ये शरारती तत्व, ढाई हो गया, 3:30 बजने के 5-10 मिनट में हम लोग घर होंगे, करेक्ट। और फिर रुचि और बबली दी करेंगे रेस्ट, और बिल्कुल भी इनको 1-1.5 घंटे में परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद बस मैं इनको छोड़ने जाऊंगा घर से। हाँ, मैं इनको छोड़ने जाऊंगा वहां से, किनारे को चलाओ, ऐसी ही तेज तेज गाड़ियां ठोक सकती हैं कभी। पर रुचि हैवी ड्राइवर हो गई है, इतना तो विश्वास है मुझे। भोले के भक्त हैं ये, और माता रानी इनको बहुत ज्यादा अच्छा मानती है। देख रहे हो तुम ये चेहरा, देख रहे हो ये बेटा। उत्तराखंड पुलिस का चमकता हुआ सितारा है ये, जिसको पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि हमें वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। और महादेव को, आदि योगी शिवा को अपने साथ लेके चलती हैं, और साथ में दीपक का प्यार भी इनके पास है, और बबली दीदी का तो है ही है। और इनके जो ये हैं, मैंने वो देखो गाड़ी, वो रही है डिस्टर्ब यार, मत करो। गाड़ी डिस्टर्ब हो रही है, अभी रख ही देते हैं यार, वीडियो बंद कर देते हैं, ऐसे भी बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे सब लोग। नीरज थोड़ा सा बाहर दिखा दे, चलो मेरे पास नट्ठी